लॉकडाउन में शहर के 25,000 ऑटो चालकों पर भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। दिल्ली के केजरीवाल सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी शहर के ऑटो चालकों को कम से कम 5,000 रुपए दे, ऐसी मांग ऑटो चालक संगठन के मार्गदर्शक अब्दुल शाहिद इन्होंने की है। लॉकडाउन के चलते कई लोगों को उनके घर में बीमार ऐसे व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने के लिए पूरी तरह से असुविधाएं निर्माण हो रही है। ऐसे में ऑटो एक ऐसा जरिया है कर अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि लॉकडाउन के चलते ऑटो को भी ऑटो चलाने से पूरी तरह से इजाजत नहीं है, जिसके चलते ऑटो चालक काफी परेशान है। हम आपको बता दें कि नागपुर शहर में तकरीबन 25,000 के आसपास ऑटो चालक अपना ऑटो चलाकर अपने और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं और पूरी तरह से अब भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते ऑटो वालों के जो कामकाज है वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऑटो चालक किसी भी ग्राहक को उनके अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि लोग अपने घरों में हैं और जिला प्रशासन ने भी उन्हें एक सख्त हिदायत देते हुए ये बताया है कि ऑटो में जहां 3 का परमिट है वहां 2 ही लोगों को ले जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की उन्हें हिदायत दी गई है, जिसके चलते ऑटो चालक ऐसे भी कामकाज करने को तैयार है, मगर अफसोस कि लोग उनके ऑटो में अभी भी नहीं बैठ रहे हैं और लोग नहीं आने से उनका बिजनेस और भी प्रभावित हुआ है, उनके ऊपर में भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। ऐसे में शहर के ऑटो चालक के मार्गदर्शक अब्दुल शाहिद इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष ये कहा कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर हर ऑटो वालों को जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने 5,000 रुपए दिए हैं, उनके खाते में जमा किए हैं, ठीक उसी प्रकार से नागपुर के भी 25,000 ऑटो वालों के खाते में 5,000 रुपए महाराष्ट्र सरकार दे, जिसके चलते ऑटो चालकों के ऊपर में जो भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है वो उसमें काफी हद तक एक दिलासा मिल सकता है उनके और उनके परिवार का। थोड़ा बहुत क्यों न हो लेकिन गुजर बसर हो सकता है, इसलिए उन्होंने फिर से एक बार राज्य सरकार से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। आइए जानना चाहेंगे क्या कहना है उनका इस बारे में। कोरोना वायरस इस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र राज्य सरकार के कुछ आदेश इस शहर को इस देश को आए थे, जिसके चलते देश में और शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते कई ऐसे रोजमर्रा के कामकाज करके अपने जीवन का अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले कुछ ऐसे भी ऑटो वाले हैं जो अब जगहों पर उनके पहिए रुक चुके हैं। और इस समय में नागपुर शहर के तकरीबन 25,000 ऐसे ऑटो चालक हैं जो इस तरह के अपने ऑटो से लोगों को यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान में छोड़ते हैं और फिर उनसे पैसे लेके अपने जीवन का गुजर बसर करते हैं। मगर लॉकडाउन के चलते और सरकार के कुछ ऐसे नियम हैं जिसके चलते ऑटो वाले परेशान और ऑटो वाले के ऑटो जगहों पर रुक चुके हैं। इस समय में हम डिगोरे के उस उड़ान पुल के नीचे में है और वहीं पे ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए क्या कहना चाहोगे आप, आज आपके ऑटो जो बंद हुए कि इसकी वजह क्या है, क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से शासन ने जो ये जो तालाबंदी रखी है और सारे जो जितने भी ऑटो चालक 25,000 कम से कम परिवार है वो कम से कम आत्महत्या करने के करीब में पहुंच गया कि उनको कहीं खाना वगैरह नहीं मिल रहा है, उनकी जो जिंदगी के अंदर में लगता है उसकी बहुत कमी जा रही है। हम चाहते हैं कि शासन से कि इसी तरीके से जो केजरीवाल सरकार ने ऑटो चालक को हर महीने 5,000 रुपये दिया है, जैसे आंध्र प्रदेश राज्य ने दिया, जैसे तेलंगाना राज्य ने दिया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ऑटो चालक की मदद करना चाहिए। 22 मार्च से ऑटो बंद है, ऑटो वालों की परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसके वजह से कुछ न कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करना चाहिए। मेरा नाम अब्दुल शाहिद है, मैं नागपुर शहर ऑटो संगठन का अध्यक्ष हूँ। उसी तरह जगह दिल्ली सरकार ने केजरीवाल सरकार ने ऑटो चालकों को 5,000 रुपये का पैकेज दिया, उसी तरह मेरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब सर से ये है महाराष्ट्र राज्य के ऑटो चालकों को 5,000 रुपये देना चाहिए। उसी तरह जैसे ढाई महीने हो गए कोई ऑटो वालों को कोई सवारी वो चलाने की परमिशन नहीं है, जैसे कि आपने सरकार ने दी है, जैसे बैंक चालू है उनका वर्कर है उनका बिजनेस चालू है, जैसे कपड़े का जो मार्केट है वो चालू है और कारोबार जो चालू है
वो सब उसी तरह ऑटो चालकों को ऑटो चलाने की परमिशन देना चाहिए, क्योंकि 100-200 जो भी कमाएंगे ऑटो चालक वो कम से कम अपना अलग होकर जो चटनी रोटी अपनी खा सके ऐसा गुजारा कर सके। क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऑटो चालकों को, महाराष्ट्र के ऑटो चालकों को कोई सुविधा महाराष्ट्र सरकार से मिली नहीं है। जैसे कि दिल्ली सरकार ने दी है मदद अपने स्टेट को खोल के राज्य को दो सवारी की परमिशन, उसी तरह हमारे को भी परमिशन ऑटो चालकों को दिया जाए, 100-200 जो भी ऑटो वाले कमाएंगे वो अपने घर का गुजारा कर सके। क्योंकि ऑटो चालक की ऐसी कंडीशन है, भूख मरी हो चुकी है बिल्कुल। बाजू वाले किसी से बांटने वाला कितना बांटेगा और कितना राशन लेके आएगा, ऐसी कंडीशन हो चुकी है बिल्कुल। तो आप थे तमाम ऑटो चालक जिन्होंने बखूबी और बेबाके के साथ बात करते हुए ये कहा कि राज्य सरकार ने इनके लॉकडाउन के चलते इनके जो ऑटो के पहिए वो तो जगहों पे रुक चुके हैं, और साथ ही साथ इनके घरों का, इनके परिवार का जो गुजर बसर जो होने जा रहा था वो भी पूरी तरह से एक प्रकार से लॉकडाउन हो चुका है, क्योंकि वे लोग अब ऑटो नहीं चला रहे हैं। इनका ये मानना है कि राज्य सरकार ने, जैसे तेलंगाना हो, कर्नाटक सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, इन्होंने जिस प्रकार से ऑटो चालकों को 5,000 रुपये जो दिए हैं, इसी इसको मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी हर ऑटो चालक को शहर के 5,000 रुपये तकरीबन देना चाहिए, और ऑटो चलाने के लिए फिर से एक बार ये जो कुछ गाइडलाइन जो है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए और लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए, ऐसा ऑटो चालकों को लगता है। और ये कुछ हद तक इनका बराबर भी है, लेकिन शहर में यदि लॉकडाउन खुल जाए तो वो स्थितियाँ बहुत और विकट बन सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में जब हम आपसे बात कर रहे थे इस समय में नागपुर में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 131 हुआ है और 12 लोगों की मौतें हो चुकी है। नागपुर शहर के कई ऐसे बस्तियां हैं जो हॉटस्पॉट हुए, रेड जोन में आए हुए हैं, ऐसे में कोरोना का जो संक्रमण है नागपुर शहर में तेजी से फैल रहा है। लोग कितना प्रतिशत पालन कर रहे हैं, कितना प्रतिशत उल्लंघन कर रहे हैं, ये बात की बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि लोग यदि कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए, उसका संक्रमण रोकने के लिए यदि कामकाज नहीं करेंगे, रोकथाम करने के लिए जो सरकार की गाइडलाइन जो दी गई उसके ऊपर में यदि वे काम नहीं करेंगे तो कोरोना इस महामारी से हम जिंदगी भर कभी भी लड़ नहीं सकते हैं, और शहर के मौतों का आंकड़ा ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। लेकिन एक तरफ राज्य सरकार ने दिए गए आदेशों का पालन करते हुए नागपुर शहर के लोग नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों के ऑटो जगहों पे ही खड़े हैं, ऐसे में उनके पहिए चलना चाहिए और उनके जीवन का गुजर बसर होना चाहिए, दो वक्त की रोटी उन्हें मिलना चाहिए, ये बात भी शहर के ऑटो चालकों ने की है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार इस ओर किस तरह से कदम उठाते हैं और इन्हें क्या न्याय देते हैं, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। नागपुर के दिगोरी चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज नागपुर।